यात्रा निकाली गई देश में आपने जो यात्री हैं उनके लिए सुविधाएं रखी, क्या क्या सुविधाएं? देखिए ये यात्रा जो है पिछले साल से निकाली जा रही है जगन्नाथ यात्रा, तो बहुत ही जोश शोर में और बहुत ही उत्साह में यहाँ की जो जनता है उसमें शामिल होती है। और इतनी बड़ी ये जगन्नाथ यात्रा है जिसमें लोगों को प्यास लगती है, लोगों को भूख लगती है, इसके लिए हमने हमारे चेंबूर घाटकोपर विकास मंच जो है उसके तरफ से हमने यहाँ पर जो चाय नाश्ता समोसा और फल का वितरण पानी का वितरण किया हुआ था, जिससे लोगों को उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिला। और जगन्नाथ भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि जिस तरीके से हमारे लोगों की शक्ति भक्ति जो एक साथ एकजुटता दिख रही है ये बढ़ते रहे, और लोगों के लिए हम हर साल सहायता करने के लिए हमारा चेंबूर घाटकोपर विकास मंच हमेशा तत्पर तैयार है। आज जो ये जगन्नाथ यात्रा यहाँ पर जो निकली है उसमें आपको एक आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कैसा महसूस है? जी देखिए कि ये हम बहुत ही तन मन के भाव से हम ये यहाँ पे सेवा करते हैं, तो भगवान ने उसका सौभाग्य हम दोनों को हमें दिया कि हमें आरती करने का सौभाग्य भी मिला, और इससे हम बहुत खुश हैं। और हम इसके बाद हर साल आने वाले हर साल में जब ये जगन्नाथ यात्रा यहाँ से निकलेगी हम इसे और धूमधाम से और बड़े स्तर पर सेवा करने की कोशिश करेंगे। आप कितने सालों से इस तरह से सेवा करेंगे? यह हमारा दूसरा वर्ष है, क्योंकि इसके पहले ये सेकेंड ईयर है जो चालू हुआ है, इसके पहले एक साल पहले शुरू हुआ था, जो पिछले साल बरसात ज़्यादा थी, इस बार बरसात नहीं होने के कारण लोगों को सेवा करने का मौका बहुत अच्छे से मिला हमें। इसी तरीके से जब तक ये जगन्नाथ भगवान की यात्रा चलते रहेगी तब तक हम सेवा करते रहेंगे। यह प्रेरणा समाज के लोग जो लोग और भी जैसे हम सेवा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सेवाधारी लोग हैं जो सेवा करते हैं, जिनको देखने के बाद हमें भी प्रेरणा मिलती है, हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी इस तरीके के कार्य करें। और हमें जब हम एक कार्य करते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है और बहुत ही सुकून प्राप्त होता है, इसलिए हम यह सेवा करते हैं। आज इतने सारे जगन्नाथपुरी की जो यात्रा निकली उसमें इतने सारे भक्त जो जिन्होंने आपकी सेवा का लाभ लिया, कैसा मतलब उनके चेहरे पर कैसा उत्साह है? देखिए उनके चेहरे पे भी उत्साह दिख रहा था कि उनको भी लग रहा था कि हमारे लोग ऐसे इतने बड़े कार्य में लोगों की सेवा करने के लिए लोग खड़े हैं, और जब लोग खड़े हैं तो लोगों ने बहुत ही आपने देखा होगा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लोगों ने प्रसाद, ये तो एक प्रसाद था जगन्नाथ भगवान का, प्रसाद की तरह लोगों ने इसको ग्रहण किया और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी सेवा हम करते रहेंगे हमेशा। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इतनी बढ़िया यात्रा निकली? देखिए हिंदू उत्सव समिति द्वारा जो ये आयोजन किया जा रहा है पिछले वर्ष हमें पहली बार मौका मिला, सुशील गुप्ता जी आए, उन्होंने बोला कि हमें जगन्नाथ यात्रा जो घाटकोपर से होते हुए तिलक नगर जाएगी, तो यात्रा में जितने भक्तगण हैं क्योंकि नाच भजन कीर्तन होता है, तो जो भक्तगण हैं उनके लिए हमें कुछ सेवा करनी है। तो पिछले बार बहुत बारिश थी फिर भी यात्रा धूमधाम से निकाली गई, पिछले बार हम लोगों ने फल का और पानी और ये सब का वितरण किया था, इस बार हम लोग थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के हम लोगों ने इस बार समोसा चाय फल और पानी की व्यवस्था की। एक सेवा भाव जो हमें हिंदू संस्कृति में सिखाया गया है कि जात का धर्म नहीं देखते हुए आपको सभी की सेवा करनी है, तो सेवा भाव के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया था, और जगन्नाथ जी की कृपा रही तो अगले साल इससे बड़ा आयोजन का कार्यक्रम रखा जाएगा। ऐसे कई लोग हैं, कई ठिकाने हैं घाटकोपर से निकलने का, जो लोग थोड़ी थोड़ी हर जगह अपनी अपनी सेवा भाव करते हैं। यहाँ पे हम लोग हमारे तरफ से हमारे बाजू में हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने योगदान दिया, हमारा पेस्तम सागर रहवासी मंडल है अंदर, वहाँ के लोगों ने योगदान दिया, तो ये सभी लोगों का हिंदू संस्कृति के लोगों का यहाँ के लोकल लोगों के योगदान से हम लोगों ने ये सेवा भाव किया है।